it. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखी होगी तो अभी हमारे छत पर, और यहाँ से मतलब कि मैंने यार अभी एडिटिंग थंबनेल बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो इसलिए वही वाली ब्लॉग मैंने एंड कर दी, और क्योंकि रात में नहीं कर पाया था तो, बट अभी देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे सनराइज हो चुका है काफ़ी मस्त तरीके से, और कल ऊपर से हो चुका था, छत बन रही थी ये और एक सामने, तो इसी कारण आवाज़ आ रही थी, इसी कारण मैं नहीं कर पाया ब्लॉग, और तो बेसिकली आवाज़ आ रही है काफ़ी भी आ रही होगी, सनराइज हो चुका है काफ़ी मस्त देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। बस चलते हैं नीचे, फिलहाल तो मैं एडिटिंग करूँगा क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है जल्दी से, 6:30 बज चुके हैं, आधे घंटे में वीडियो अपलोड और थंबनेल सब मतलब की एडिटिंग आधी हो चुकी है, बट कर लेंगे जल्दी से। चलो चलते हैं नीचे और करते हैं एडिटिंग, फिर मिलते हैं आप लोग आप सभी को और बताते हैं आज की इस लाइफ स्टाइल ब्लॉग में क्या होने वाला है। हवा चल रही है काफ़ी तेज, और अभी ये सो रही है देख सकते हो यहाँ पे, कैसे लग रहा है सोके मस्त, इसको क्या है, इसको तो खाना और सोना। और गाइस मतलब कि मैंने ये कूलर साफ़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी कचरा जम चुका है, यहाँ से तो साफ कर दिया, अगर आप पहले देखते ना ये पानी देख सकते हो, और ये कपड़ा इतना गंदा हो चुका है। बेसिकली हुआ क्या था, रात को सो रहा था यहाँ पे तो हवा नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो इसी के कारण हम लोगों ने ये सब निकाल के रख दी यहाँ पे, और तो बट अभी हम कर रहे हैं इसके लिए साफ, तो देखते हैं कब तक हो पाती है, और पास से दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो कचरा यार, इसी कारण मैं कर रहा हूँ साफ, और उसमें भी लगा हुआ है तो वो नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, बट सामने का इम्पोर्टेंट है, तो कचरा भी काफ़ी मतलब कि बदबूदार हवा भी आ रही थी गाइस इसी कारण, और साफ़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं और कब तक हो पाती है, आप लोगों को बताते हैं। फिलहाल तो ये वगैरह मैंने निकाल दिया, अब नहीं लगानी है, ये सामने लगी थी यहाँ पर देख सकते हो, तो सभी निकाल दिए, और अभी थोड़ी थोड़ा साफ़ कर दिया तो सही लग रहा है, वैसे ऊपर से भी कर देंगे, और ये पानी देख सकते हो इतना गंदा हो चुका है, मतलब कि यार कूलर तो था गंदा और हवा भी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए ये निकाल दी। तो बेसिकली अभी तो फिलहाल हम करते हैं कूलर साफ़, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आपको बताते हैं कैसा क्या होता है और सब कुछ, तो देखते हैं और करते हैं फिलहाल तो कूलर साफ। ऐसे कूलर वगैरह साफ़ हो चुका है, बट जितना बना उतना किया, थोड़ा थोड़ा तो हो चुका है, वैसे अभी काफ़ी है बट क्या कर सकते हैं, जितना हुआ मैंने उतना कर दिया, तो फिलहाल तो इसे चालू करते हैं यार, और चलाने के लिए किया है, आगे की निकाल दिए तो हवा भी काफ़ी तेज़ आ रही है, तो फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तो फिलहाल 12 बज चुके हैं, और अभी तो फिलहाल दाल चावल बने हैं, तो अच्छे दाल चावल खाऊंगा फिलहाल तो मैं, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट के बाद खाना ही नहीं खाया था, तो अभी मैं खाऊंगा खाना, और अभी तो फिलहाल मैंने नहा लिया है, क्योंकि बाद में नहा तो कोई ये हवा चलती है यार ये गर्म, मतलब इसमें बुखार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बट इसी कारण मैं अब जल्दी नहाने लगा हूँ क्योंकि सही रहता है, और बट हवा चलती है इसी कारण, और धूप भी निकलने लगी है काफ़ी तेज़, और अभी बारिश वगैरह भी मौसम चेंज हो रहा है इसी कारण से हो रहा है, और तो बट आप लोगों को बताता हूँ फिलहाल तो क्या होगा आज की इस ब्लॉग में। आप लोगों ने देखा कि मैं अभी मतलब कि 2 घंटे मतलब कि मैं 2 घंटे लगा रहा है कूलर में, और कूलर फाइनली थोड़ा साफ़ हो पाया, तो मतलब कि यार काफ़ी सालों से मतलब कि खोला ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था कि वो खुलता भी है, तो मैंने खोल के उसे किया अच्छे से साफ, तो फिलहाल अभी हो चुका है, और बट काफ़ी सही हवा दे रहा है पहले से बेहतर, और तो आप लोगों को बताते हैं क्या होता है, तो पहले तो मैं खाता हूँ खाना और फिर मिलता हूँ आप सभी को। अभी तो फिलहाल 2 बज रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो बादल आ चुके हैं, बट बारिश नहीं होगी मुझे पता है क्योंकि होती नहीं है, और मतलब कि अभी यार 2-3 घंटे से लाइट नहीं थी, बिल्कुल लाइट गायब हो चुकी थी, तो गर्मी के कारण पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, आज ही कूलर साफ़ किया इतनी मेहनत से, और आज ही लाइट नहीं थी, अभी अभी आई है फिलहाल तो, और मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ब्लॉग, और आप लोग देख सकते हो बादल आ चुके हैं, बट छाया तो है मगर बारिश नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसमें हम पानी वानी तो भरते नहीं, आप लोगों को पता ही है जैसा कि, और फिलहाल बिल्कुल हवा भी शांत हो रखी है, तो ऐसे में यार बारिश और मुश्किल, जब फिर लाइट गई और हवा भी शांत नहीं थी, वैसे हवा चलती थी मैं आपको बताता था, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और हवा भी नहीं चल रही है अभी तो, और आज तो लाइट आ चुकी है, तो फिलहाल देखते हैं बादल हैं और बारिश होती है तो बताते हैं आप लोगों को, तो फिलहाल देखते हैं और होता है या फिर नहीं बारिश, तो बट वेट कर ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो अभी मैंने खाना खाया है तो थोड़ी देर बाद, तो फिर मिलता हूँ आप सभी को।
गाइस अभी तो आ चुके हैं छत पर, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल आने वाले थे लेकिन बट नहीं आ पाए, तो आज ही आ चुके हैं। देख सकते हो बारिश बारिश तो कुछ हुई नहीं, बस ऐसे ही। और मैं सो भी चुका था, मुझे पता भी नहीं है बेटर। और अभी तो पहले से अच्छे बादल हैं और काफ़ी यहाँ पर व्यू देख सकते हो, सामने सनसेट होने वाला है तो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, और जो कि सही है काफ़ी मस्त। और तो आप लोगों को बताते हैं क्या होता है आज की इस ब्लॉग में, तो बट चलो चलते हैं फिलहाल तो नीचे। यार छत पे क्या कर रहा हूँ अभी तो यार काफ़ी तप रहा है इसी कारण, तो चलो चलते हैं नीचे और फिर मिलते हैं आप सभी को, आपको बताते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल बज रहा है 7 और अभी हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर में, और ये बटर पहले लाइट ऑन करते हैं। और गाइस सब लाइट ऑन हो चुकी है, मस्त लग रहा है यार। यहाँ पर गर्मी होती है ना इसी कारण नहीं आता, नहीं तो मैं काफ़ी यहीं तक रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सही रहता है बिल्कुल कि बिल्कुल सन्नाटा हो और यहाँ पे अच्छी एडिटिंग करो बैठ के, काफ़ी मज़ा आता है। तो बट इसी कारण आते हैं और आप लोग देख सकते हो लाइट वाइट रखे, भैया ने कम से कम एक वीक से वीडियो नहीं बनाई है और ऐसा क्यों कर रहा है बट मुझे पता नहीं है। और ये लाइट्स वगैरह लगी हैं थोड़ी वगैरह, क्योंकि यार लैंप्स वगैरह तो अभी इतना खर्च नहीं कर सकते क्योंकि अर्निंग तो होती नहीं भैया की, तो इसी कारण। और तो मतलब कि काम चल रहा है बस टिकाऊ, हमारे यहाँ पे बस यही चलता है टिकाऊ टिकाऊ टिकाऊ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और देख सकते हो सेटअप वगैरह सब मस्त है यार, जो कि दिल खुश कर देता। इतनी खुशी सच में यार, मैं जितना बोलता हूँ आप लोगों को, मतलब कि जैसे मैं मोबाइल में बता रहा हूँ आप लोगों को कम दिख रहा है, बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो ये चीज़ काफ़ी बेटर लगेगी। और तो गाइस इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, और मतलब कि यार आज तो दिल खुश हो गया, और व्यू था यार कितना मस्त, सनसेट हो रहा था ना देख के बिल्कुल रियल, बिल्कुल मतलब कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा व्यू भी हो सकता है, बट हुआ है यार। तो बस मैं इस ब्लॉग को करता हूँ गाइस यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।